अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। वन एक्साइटिंग डे यस्टरडे इट वाज ऑफ पीएसएल सीजन 8 और भाई जबरदस्त मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर, यानी फास्टेस्ट सेंचुरी भी बनी तो हैट्रिक भी हुई, फाइफर भी ले लिया, वो मतलब एवरीथिंग वाज प्रेजेंट देयर और एक मजेदार मुकाबला हुआ। मुल्तान सुल्तान ने 9 रन से जीत हासिल की, यानी इतने रन जोड़ने के बाद भी कोटा ग्लैडिएटर्स जो है वो चेज नहीं कर पाई और नहीं जीत पाई कल का मुकाबला। ये अभी भी इस वक्त एक मैच जारी है बिकॉज टुडे देर आर टू मैचेस इन पीएसएल 8, सो दो दो मैचेस खेले जा रहे हैं। इस वक्त पेशावर जलमी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड चल रहा है, सो इन मैचेस के हवाले से भी बात होगी और फिर शाम में जो लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स का मैच खेला जाएगा उसके हवाले से बात होगी। सो अ लॉट टू टॉक। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, इट इज द लास्ट डे ऑफ द लीग स्टेज पाकिस्तान सुपर लीग 8 में एंड थैंक गॉड वी आर वॉचिंग द लास्ट गेम इन रावलपिंडी स्टेडियम। सीरियसली स्पीकिंग, आई नो, आई मीन दिस ओपिनियन ये लोगों को डिवाइड करके रख रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, मज़ा आ गया जी, यही तो पीएसएल थी जो हम चाहते थे। बट काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ पे कुछ परेशान भी हैं कि या आखिर पीएसएल हैव वी लाइक टेकन दिस कॉल नाउ कि हमें पीएसएल को ऐसे ही लेकर जाना है। फाइन, दैट्स इट, तो फिर बता दीजिए जी कि अब पीएसएल ऐसी ही होगी। लेकिन बहरहाल इंतज़ार करते हैं आज शाम का। इट्स अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग, क्या लाहौर की विकेट भी ऐसी ही बिहेव करेगी जैसे कि हम देखते आ रहे हैं। पिंडी में बाउंड्रीज को क्या किया जाएगा, और अगर इंडिया में कोई ये प्रोग्राम देख रहा है तो मैं देख रहा था कुछ इंडियन ट्विटर हैंडल्स जो हैं ये बात फैला रहे हैं कि रावलपिंडी में विकेट 45 मीटर की रखी गई है। तो इतने बेवकूफ़ तो मेरे ख्याल से आप लोग नहीं होंगे। जी सवेरा, कुछ कह नहीं दिया। मैं वही कह रही हूँ कि ये एक सेंटर है खाली, क्योंकि देखें एक इंप्रेशन में ज़रा थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगी। जब कराची में मैचेस हो रहे थे तो कराची में पैरेलली कराची के साथ साथ मुल्तान में मैचेस हो रहे थे, सो यू गॉट टू सी टू वेराइटीज़, टू डिफरेंट सेंटर्स, दो अलग सेंटर में। एक दिन कराची मैच हो रहा था, एक दिन मुल्तान मैच हो रहा था, अलग कंडीशन। पीएसएल के सबसे ज्यादा मैचेस जो है वो पिंडी में खेले गए, ऑन अ स्ट्रेच खेले गए, क्योंकि पिंडी में पैरेलली कोई और साथ जो है वो वेन्यू नहीं था, इसलिए पिंडी। बट पिंडी इज जस्ट वन वेन्यू जहां पे हमें इस तरह की बेल्टर विकेट्स दिखी हैं। बाकी और तीन हमें जो तीन अलग वेन्यूज हैं उन पे इस तरह की विकेट नहीं दिखी। दो के 240 बने, 220 कराची में भी बने, रन्स बने, ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं बने और दूसरी उस पे। और मैं फिर कभी कभार ये सोचती हूँ कि अदील, हम मुसलसल ये बात करते हैं कि यस पीएसएल, हाँ जी, बोलिंग बेस्ट बोलिंग बेस्ट बोलिंग, बट ये बेस्ट बोलिंग वाला टैग पीएसएल को दिया किसने? मेरा ये ख्याल है, देखिए बेस्ट बोलिंग, आई थिंक मैं इसको बोलिंग तो नहीं कहूँगा, मैं इसको ये बोलूंगा कि बैलेंस्ड क्रिकेट होती थी, यानी देयर वर बैट्समैन जो कि स्टैंड आउट करते थे। मुझे याद है पाकिस्तान क्रिकेट के फाउंडर्स दिखते थे, मैं बताता हूँ आपको जी, मुझे याद है कि फवाद आलम से एक दफ़ा मेरी उनके ऑफ सीजन में, बल्कि ऑफ क्या बोलूँगा, ऑफ लाइफ में, एक ज़माने में हम लोग कहीं पे दुआम कर रहे थे और इंडिया की कोई मैच आ रहा था और कोई खिलाड़ी, पता नहीं कोई नया खिलाड़ी उस जमाने में नया डेब्यू किया था और टिपिकल इंडियन 200 मारते हैं डेब्यू पे अपने। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा फवाद ये क्या होता है, कहने लगा, उसने मुझे बताया अदील भाई आपको जो विकटें पाकिस्तान में खेलने को मिलती हैं ना वो कंड्यूसिव ही नहीं है जो कि लंबी इनिंग्स कर सके। तो हमारे खिलाड़ियों का वन ऑफ द रीजंस आई होल्ड सो मच रिस्पेक्ट फॉर फवाद आलम इज दैट उसने जो अपने 10,000 रन्स फर्स्ट क्लास पे बनाए वो ऐसी विकेटों पे बनाए जहाँ पे एक एक डेढ़ डेढ़ मीटर बॉल जो है ना वो स्विंग हुआ करता था। आई मीन कितने खिलाड़ी वायरल हो जाया करते थे, आपके पास फेसबुक में वायरल हो रहे हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उसकी स्विंग चेक करो, फलाना चेक करो, किधर है वो बॉलर भाई, कहाँ है, क्यों नहीं आते? इस वजह से कि आप उनको जब लेकर आएंगे तो इंटरनेशनल कंडीशंस में बिल्कुल वो, मेरा देखो सवेरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि आप आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट ना करें। आप जब आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट करेंगे तो फिर वो खिलाड़ी जब जेन्युइन कंडीशंस में आएगा या इंटरनेशनल कंडीशंस में आएगा वहां पे वो एक्सपोज हो जाएगा। सो अभी ये खिलाड़ी जो 150 200 पता नहीं, मतलब लग रहा था कल डबल सेंचुरी बन जाएगी पहली T20 क्रिकेट की, वह हो चुकी है शायद एक, ये मुझे तो ये लग रहा था, लेकिन अल्लाह करे ये खिलाड़ी वापस पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लिए खेले, क्या ये ऐसी परफॉर्म कर सकेगा, इवन फॉर दैट मैटर थोड़ी सी भी विकेट जहां पे चैलेंजिंग हो गई क्या ये अपनी परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगा? आई रियली डाउट दैट। लेकिन दिस वाज नॉट द ओनली सेंटर ना, मैं बार बार बात यही कर रही हूं, तभी तो कह रहा हूं आज देखते हैं ना, फोर सेंटर्स डिवाइडेड, तो हर सेंटर पे अगर एक लड़का खुद को प्रूव कर रहा है वहां उसकी एबिलिटीज का पता चल जाता है कि हाँ जी उस लड़के ने कराची में भी रन किए जहाँ शायद इतनी बैटिंग कंड्यूसिव कंडीशंस थी या नहीं थी, मुल्तान में भी किए, लाहौर में भी किए, पिंडी में यस उसको एक फेस्ट मिल गया, एक फुल
मतलब बैटिंग पार्टी माहौल मिल गया कि वहां वो खुल के बैटिंग कर सकता था। मैं कभी कभार सोचती हूँ माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे बैटर्स क्यों नहीं ऐसी, इंजी भाई ने हमारे शो में कहा था ना कि क्यों हमें वंडो डिसॉन या मार्टिन गप्टल या जेसन रॉय इस तरह की स्लाइसर बैटिंग करते हुए दिखते हैं, स्लाइस आउट करते हुए दिखते हैं, क्यों हमारे यंगस्टर्स इस तरह नहीं दिखते। मे बी दैट्स द मेंटल बैरियर। और अगर ऐसी कंडीशंस दे के, लगातार ऐसी कंडीशंस दे के पक्का करके एंड देन आप वापस उनको नॉर्मल उस पर लेकर आते हैं तो चले ठीक है, जो 240 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है वो शायद 200 तक गिर जाएगा, वो 180 तक गिर जाएगा, बट एटलीस्ट, वरना इससे पहले तक अदील इफ यू रिमेंबर हमारे पास 140 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला एक आजम खान था जब हम T20 वर्ल्ड T20 की बात कर रहे हैं। सो पॉइंट यही है कि मे बी दैट वुड ब्रेक द मेंटल बैरियर। आपको अंदाजा हुआ होगा, देखिए मैंने और सवेरा ने ये एक फेक यहां पे आर्गुमेंट किया सिर्फ ये बताने के लिए कि यार कितने द ओपिनियंस आर डिवाइडेड अबाउट दिस पर्टिकुलर। कोई फेक नहीं किया, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूं इस बात पे। नहीं, मैं भी बिल्कुल बिलीव करता हूं कि जो पिंडी में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बारह चले जी मजा आ रहा है। इस वक्त आप जानते हैं टुडे इस वक्त एक मैच चल रहा है रावलपिंडी में, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए पिशावर जलमी स्कोर्ड एन अंडर पार 179 और एक मौके पे तो लग रहा था कि एक बार फिर 200 जो है वो क्रॉस होना है, लेकिन रिमार्केबल कमबैक बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड उनकी जानिब से जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग का बताया कि हसन अली एक बार फिर 3 विकेट उन्होंने हासिल की एंड एट अ वेरी क्रूशियल जंक्चर उन्होंने जो है ये 3 विकेटें हासिल की, 20 रन बना लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है, मैच जीतने के लिए उनको 160 चाहिए 102 बॉलों पे। एलेक्स हेल्स अभी मौजूद है एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि आज सोहेब मकसूद को जो है वो मौका दिया गया last. है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, बल्कि एक दफा हमारे शो में जिक्र आया था और कोई हमारे एक्सपर्ट भी सुनकर हैरान रह गए थे कि वाकई ये स्क्वाड में है। जी बिल्कुल स्क्वाड में है और आज उनको खेलने का मौका दिया जा रहा है। बल्कि अब से थोड़ी देर पहले सवेरा को मैं बता भी रहा था कि पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी जो पाकिस्तान नेशनल T20 हुआ था उसमें सिंध के जो कप्तान विनिंग कप्तान थे जिनका नाम सऊद शकील है, जिनका बड़ा जबरदस्त सीजन भी रहा इंटरनेशनल, ये फर्स्ट क्लास में भी और पाकिस्तान के लिए भी, उन्होंने अभी ट्वीट किया, याद रहे वो टीम क्वेटा के स्क्वाड का हिस्सा थे और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है, नॉट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट फॉर टीम क्वेटा दिस ईयर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी टू शेयर द ड्रेसिंग रूम 33/0 यानी 33 मैचेस में इनको खिलाया जा सकता था बट ही वॉज नॉट इवन प्लेड इन अ सिंगल गेम। आई एम वेरी हैप्पी टू सी सुहेब इन एक्शन टुडे एंड वेरी हैप्पी टू सी हिम स्कोरिंग रन्स राइट नाउ। बिल्कुल, और मतलब ऐसी हैं बहुत सी और कहानियां हैं जिन कहानियों पे हम आगे भी बात करेंगे, बिकॉज आज उनमें से एक कहानी हमारे साथ जुड़ेगी भी जो हम बात करते हैं कि कितना टैलेंट है पाकिस्तान में, इतना टैलेंट है कि हम शायद दूसरे मुल्कों को अब डिलीवर कर रहे हैं वो टैलेंट, या वो खुद ही जा रहे हैं इधर उधर से निकल के। बट कल का जो मुकाबला हुआ अदील, कल एक बहुत मजे का जो है वो कॉन्टेस्ट रहा, जबरदस्त, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान ने कल आखिरी लम्हात में इस तरह बताया कि रावलपिंडी में किस तरह आपने बैटिंग करनी है, अगर आपको पता है कि आपकी बॉलिंग में थोड़ा सा भी फ्लॉ है तो आपने एडिटिव रन्स लगाने हैं, यानी 240 अगर पार चल रहा था तो 260 तक लेकर जाना है रन्स। सो यस, 262 बनाए मुल्तान सुल्तान्स ने और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 253 बनाने के बावजूद ऑब्वियसली दे कुड नॉट विन इट और 9 रन से जो है वो जीत हासिल हुई मुल्तान सुल्तान को। मैच समरी पे नजर डालते हैं, समरी पे नजर डाल लेते हैं, सुहेब मकसूद आउट हो गए बाय द वे, लेकिन मैच समरी पे नजर डालते हैं, नजर लगा दी मैंने, दिस इज स्टेटस कर्स होता है ना, बट ही वेंट डाउन फाइटिंग, आई मीन 6 गेंदों में 15 रन नॉट बैड। चलें जी, मैच समरी आपकी स्क्रीन पर आ गई है, मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कल का ये मैच। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने की पहले मुल्तान सुल्तान ने की पहले बैटिंग और 262 रन बनाए सवेरे से, 120 रन उस्मान आउट ऑफ नोवेयर, 43 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इनकी इंडिविजुअल इनिंग पे भी हम नजर डालते हैं, रिजवान भी कल अपनी जो है वो जबरदस्त किस्म की फॉर्म, बल्कि मैं कहूँगा कि फ्रॉम रिजवान्स पर्सपेक्टिव वैशी किस्म की फॉर्म में कल नजर आ रहे थे, 29 गेंदों में 55 रन उन्होंने बनाए जिसमें 6 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे, दे वर द टॉप 2 स्कोरर्स जो आपकी स्क्रीन पर से नजर आ रहे होंगे। 262 रिकॉर्ड स्कोर इन पाकिस्तान सुपर लीग। अगर हम बैट्समैन, अगर हम बॉलर्स के हवाले से बात करें, यार आज वैसे लाला से हमारी जब मुलाकात होगी तो हम लाला को मुबारकबाद देंगे बिकॉज वो लिस्ट पे अब नंबर 2 पे आ गए ऑफिशियली, मुबारक हो जी। कैस अहमद जो हैं उन्होंने कल अपने 4 ओवर्स में 77 रन दिए, 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, लेकिन 77 द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल
इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग 67 इससे पहले लाला के थे विदाउट एनी वन विकेट एक्चुअली, लेकिन चलें कोई बात नहीं। जवाब में जेसन रॉय जल्दी आउट हुए और उस पर ऐसा लगा कि द चेस के जो है ना द व्हील्स आर ऑफ, लेकिन उसके बाद कमाल बैटिंग की। पहले तो उमैर यूसुफ हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक और बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर, उमैर को कल मौका मिला खेलने का, टाइम बहुत था, आई थिंक उनको फ्री हैंड दिया गया और कल उन्होंने 3 छक्के और 7 चौके मारे। ही रिमेन्ड द हाईएस्ट रन गेटर फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 31 गेंदों पर 53 रन बनाए इफ्तिखार ने 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से। उमर अकमल भी कल ज़बरदस्त फॉर्म में थे, 10 गेंदों पर 28 रन उन्होंने बनाए 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से, लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे 262 का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही इतना होता है, इसको चेस करना मुश्किल था, बट क्यूडोज टू क्वेटा, दे केम रियली रियली क्लोज। उनकी पूरी टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पे 253 रन बना सकी। एंड वेल व्हाट शुड आई से, द पिक ऑफ द बॉलर अब्बास आफरीदी, यस ही वेंट फॉर सम रन्स, लेकिन कल हैट्रिक भी की और 5 विकेट भी हासिल की। और अब्बास आफरीदी, सवेरा हम वैसे एहसान उल्लाह की बात कर रहे थे, अब्बास का भी हमने कल इत्तेफाक से अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, और फिर वही बात की गई थी कि मिसबा ने कहा था कि बहुत डिफरेंट, देयर इज नो कंपैरिजन, बट नाउ इट्स एक्चुअली अब्बास हु इज चेजिंग द पीएसएल रिकॉर्ड। सिर्फ 3 विकेट पीछे रह गए हैं वो एक सीजन में 25 विकेटों का जो रिकॉर्ड है उससे, सो गुड लक टू अब्बास। बिल्कुल, और कल देखे, कल हमें 2 चीजों का अंदाजा हुआ आदिल। अगर आप एक तरफ जो है जिस तरह हमने उस्मान की हमने बात की, उस्मान ने एक पहला मैच सिर्फ खेला था और उसके बाद जो है उस्मान ने नहीं खेले थे मैचेस, शान मसूद उनकी जगह खेल रहे थे। उस्मान कल आए और उस्मान ने प्रूव किया जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और जिस तरह, मतलब फास्टेस्ट सेंचुरी तो एक तरफ, दैट ही टुक 36 बॉल्स फॉर दिस सेंचुरी। आई बिलीव लाला ने जो 97 में किया था वो दैट वॉज 37 बॉल्स फॉर 100, राइट? सो वो रन उस तरह जोड़े। फिर उसके बाद जहां हम अभी बात हैं उमैर बिन यूसुफ की, तो उमैर बिन यूसुफ ने एक मैच पहले खेला हुआ है क्वेटा की तरफ से। दिस इज नाउ द रियलाइजेशन पॉइंट फॉर द फ्रेंचाइज ओनर्स के अगले सीजन में ट्रस्ट योर लोकल टैलेंट, गो विद दैट, उनके ऊपर बिलीफ दें, उनके ऊपर बिलीफ दिखाएं, बिकॉज जिस तरह कल उमैर ने रिस्पॉन्ड किया है It was wonderful. बिल्कुल सवेरा, आई थिंक ये जो 2 टीमें हैं कराची और क्वेटा, आई थिंक हमने इनकी बहुत सबसे ज़्यादा फोकस गालबन कराची की टीम पे ही हमारा रहा होगा, अगर लाहौर कलंदर्स के अलावा हमने किसी पे बात की है। उनको अपनी एक लोकल कोर बनानी पड़ेगी, आपको अपने 3 या 4 प्लेयर्स लोकल होंगे जो कि किसी सीजन कहीं खेलने के लिए, कोई सीरीज बायलैटरल के लिए नहीं जा रहे होंगे, क्वेटा और कराची की फ्रेंचाइज इस बात को रियलाइज करें 3 या 4 तगड़े। उमैर बिन यूसुफ एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको आप बुनियाद बना के, मे बी यू कैन, मे बी टू अर्ली, but you can build your team around him. Iftikhar can be your core. Okay, he had a pretty off PSL for argument's sake keh sakte hain, lekin kuch khiladiyon ko waqai ye to jab hum ab league khatam hogi, league stage khatam hogi, hum ek ek team ka inshaallah analysis apne experts ke sath jo hai wo zarur baith ke karenge. Kal ke zara records ke hawale se bhi hum, before that aap records pe ja rahe hain Adil, kal jo hai na, kal Iftikhar मुझे समझ नहीं आया इफ्तिखार किसको खामोश करवा रहे थे और किसको, मतलब आपने, आपके साथ उमैर बिन यूसुफ खेल रहे हैं, अ यंगर लैड जिसने आपसे तेजी से रन्स बनाए, आपने तो अल्लाह 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 करके आप पहुंचे और आपने 50 बनाई, एंड देन उसके बाद किस 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 बात के इशारे थे, वो किसको खामोश करवा रहे थे, मतलब मैं आई वुड लव टू हैव हिम ऑन दिस शो एंड आस्क हिम कि आप किसको खामोश करवा रहे हैं। इज नंबर 18 ऑन द लिस्ट नाउ, अगर हम रन स्कोरर की बात करें, एंड मोस्ट प्रोबब्ली एंड व्हेन पीएसएल वाज अबाउट टू स्टार्ट वी ऑल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू #iftimania, ही इज जस्ट 5 रन्स अहेड ऑफ केरन पोलार्ड जो कि अभी प्लेऑफ्स खेलेंगे, एंड ही इज जस्ट 15 रन्स अहेड ऑफ फहीम अशरफ जो कि अगेन प्लेऑफ खेलने वाले हैं। भाई आप 20वें 25वें नंबर पे टूर्नामेंट खत्म करने वाले हैं, अरे आई हैव नो आइडिया, लाइक जेस्चर देना तब लगता है कि यार कोई आपको क्रिटिसाइज, मेरा तो नहीं ख्याल इफ्तिखार कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है, क्वेटा की टीम की परफॉर्मेंस जैसी रही है उसमें भाई आप भी अंधों में काना राजा जो है ना वो आप बने हुए हैं। तो ऐसा करते हैं जी, कल जो इतने सारे रिकॉर्ड बने हैं कल के मैच में, जरा उन पे एक बार लेते हैं। हमारे एक एक्सपर्ट हमें आज ज्वाइन करोगे, आप कह रहे होंगे यार कहाँ है, वेयर इज द टीम, आज जरा
कुछ मसरूफियात हैं जो कि हम आपको बता भी देंगे लोगों की, लेकिन एक हमारे एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं अभी और आज हमें कल के स्टार भी ज्वाइन इन करेंगे। तो यस, आप यहीं पे हमारे साथ जुड़े रहिए कि आपको वो स्टार से मिल सके और उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सुनना जरूरी है। बिल्कुल जी, अगर आप देख लें यहाँ पे इस वक्त आपकी स्क्रीन पे रिकॉर्ड्स इन मुल्तान, ये मुल्तान और क्वेटा का जो मैच हुआ इसमें जो रिकॉर्ड्स बने ऑफ कोर्स उस्मान खान की अगर हम बात करें, मुल्तान सुल्तान 36 गेंदों पे जो है हाईएस्ट मैच टोटल ओवरऑल बना है 515 रन, 11 विकटें गिरी हैं। आई मीन अ प्रीटी अनयूजुअल सिचुएशन जो कि आप आमतौर से देखते नहीं है। हाईएस्ट इनिंग टोटल इन PSL वी टॉक्ड अबाउट दैट, 262 रन की हाईएस्ट सेकेंड विकेट, सेकेंड इनिंग टोटल ओवरऑल यानी सेकेंड इनिंग में भी 253 रन बने। हाईएस्ट स्कोरर इन फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ द PSL 157 एंड सवेरा That was brutal hitting. Seriously, at times आपको अफसोस भी हो रहा होता है यार कि बॉलर्स भी सोच रहे होंगे काश मैं बल्लेबाज बन जाता, क्या बॉलिंग का मैंने सोचा क्यों अपनी ज़िंदगी में, वैसे seriously, ridiculous, ridiculous. चलें जी, ये हो गई बात, हमको अभी लेना है एक ब्रेक। ब्रेक, yes, हम जाएंगे एक ब्रेक पर और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली कल के स्टार भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी कहानी, उनका सफर, क्योंकि उनकी कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग। सो जस्ट स्टे ट्यून, हमारे साथ यहीं जुड़े रहिएगा। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुश आमदीद, बात हमारी हो रही थी कल जो मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर्स, एंड हम बात ये कर रहे थे कि इवेंचुअली इन टीम्स ने ये जरूर रियलाइज किया होगा कि अपना एक कोर बनाना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह कल उमर बिन यूसुफ ने परफॉर्म किया, जिस तरह कल उस्मान ने परफॉर्म किया, इट वॉज ब्रिलियंट। बट मूविंग ऑन फर्दर, आप लोग को लग रहा होगा हम ही अकेले बातें करते रहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं। सो अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम सवेरा, होप ऑल वेल। जी ऑल इज वेल आपकी तरफ तो। माशाल्लाह बॉस, किधर किधर घूमने निकले हैं कुछ बताएं। बस ये देखो ना, मैं तुम लोगों को जलाने के लिए, देखो ये देखो, ओए होए, वो जबरदस्त ऊंट ऊंट सवारी हो रही है लाला, सी व्यू पे घूम रहे क्या? सफारी सफारी जैसे सफारी, ऊंट का खालिस दूध पी। अच्छा यहां पे भी मेजबान ने हमें डरा दिया, क्यों, क्या हुआ? ये इसके काम है, ये जो लड़का बैठा हुआ ना पीछे, बुजुर्ग बुजुर्ग मिसबा, हाय हाउ आर यू, आई डरा दिया कि लाला ऊंट पे नहीं बैठेंगे, गिर जाएंगे। मैंने कहा खुदा के लिए यार कमाल है मिसबा, लाला आज बिठवाई दें और बगैर ऊंट वाले के मिसबा को बिठवा के चेक करो, अभी भी सुबह में 70-80 रन कर रहा है और डरा ऊंट से रहा है मुझे, मैं कुछ क्या कर रहा है, मैं तो वैसे ही ऊंट पे बैठा तो ऊंट बैठ जाएगा नहीं नहीं वैसे क्योंकि जो कराची में लोग रहते नहीं है ना, वो जरा ऊंट पे हॉक्स पे में बैठे नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता, बड़ा शुद्ध जानवर होता है, एक जगह से जाके वहीं से घूम के वापस आता है। जमाना नहीं है, मैंने जब इनका ख्याल करते हुए कहा कि कल मैच खेलना, बैक शैक को झटका लग जाएगा, ये उल्टा कह रहे हैं डरा रहे हो वैसे लाला हमने सोचा था सबसे पहले आपको एक मुबारकबाद दें एक बात की, या किस बात की? माशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग में अपने स्पेल में सबसे ज्यादा रन देने का जो आपका रिकॉर्ड था वो कल टूट गया, बहुत मुबारक हो आपको। किसने दिए माशाल्लाह 77 रन दिए, मैं इतना खुश हुआ ना, मैंने कहा शुक्र लाला के ऊपर से यार, तुम मेरी उम्र और उसकी उम्र में कि जमीन आसमान का फर्क है यार, रिकॉर्ड के आगे उम्र लिखी भी नहीं थी असल में, मसला ये लेकिन टीम रिकॉर्ड बाकी रहा है, क्वेटा का रिकॉर्ड रहा है ना वैसे टीम रिकॉर्ड वहीं पे अपनी जगह पे। बट लाला कल मौका मिला लाला उस्मान की बैटिंग देखने का, मैंने थोड़ी सी हाईलाइट देखी है, बड़ी अच्छी बैटिंग की है उस लड़के ने, उसका दिन था जब दिन होता है इंसान का तो फिर कैचेस भी ड्रॉप होते हैं और फिर उसके रन लिखे हुए होते हैं, बस रन किए हैं उसने, जबरदस्त रन किए हैं लाला, 36 बॉलों पे सेंचुरी उस्मान खान ने की है, आपकी तो खैर ओडीआई में थी 30, मतलब मैं जरूर कल मैं ये सोच रही थी कि आज मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगी, 99 यार दिस वाज डन 97 आई गेस लाला 96 वर्ल्ड कप के थोड़े दिनों बाद की तो बात ही तो बात है, 96 में 37 बॉल्स पे सेंचुरी, एंड लाला ये इतना ऐसा टाइम जिसमें ना T20 था ना कुछ था और उस वक्त इस तरह की इनिंग, वर्ल्ड चैंपियन बॉलिंग अटैक आपके सामने था, सीरियसली यानी लाला की इनिंग की वो अजमत आप अंदाजा नहीं लगा लाला, मतलब उस वक्त क्या वो कहते ना हाल चढ़ जाता है, हाल चढ़ा था, क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, अगर सोच के खेलता तो नहीं होता, बगैर सोचे खेला था इसलिए हो गया था
ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वेस्ट इंडीज से आ रहे थे सीधा लाला, पता है ना। हाँ। देखिए उस दौर में आठवें नवें नंबर पे हम बैटिंग किया करते, तो आठवें नवें नंबर पे क्या बैटिंग होती थी, हिटिंग ही होती थी। yes. तो बस वही चीज इस्तेमाल हो गई। कल वाकई कल उस्मान खान ने जो है ना लाला, वो कुछ यादें ताजा की, क्योंकि जिस तरह कल ब्रूटल बैटिंग उस्मान ने की है, इट वाज वंडरफुल। बड़ी बात होती है सवेरा, देखिए कोई नया प्लेयर खेलता है, उसको मौका मिलता है पीएसएल में, देन वो उसकी इनिंग की पीएसएल की मैचों में इनिंग ही ऐसी शुरू हो जाए, तो सिर्फ इस चीज उस लड़के के कॉन्फिडेंस का पता चलता है कि कॉन्फिडेंट है, दलेर है, सामने कप्तान भी खेल रहा था उसके बावजूद उसने किसी की फिक्र नहीं की जी, उसने बिल्कुल बॉलरों की इज्जत नहीं की बिल्कुल। और जो है लाला, आपके बड़े फैन भी हैं उस्मान, कल उस्मान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके बारे में पूछा गया, सो आज मान अभी इस वक्त क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं उनकी, तो वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। वंडरफुल परफॉर्मेंस उस्मान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और उस्मान, इससे पहले कि मैं आपसे कोई बात करूं, इस वक्त शाहिद खान आफरीदी लाला हमारे साथ मौजूद हैं, कल आपसे लाला के लिए सवाल भी पूछा गया था, उस्मान सबसे पहले तो आप लाला से कोई बात करना चाहेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम उस्मान, वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड, अल्लाह करे आप इसी तरह खेलते रहो, गेम अपना चेंज ना करना, आप वक्त के साथ साथ चीजों को इम्प्रूव करना है, लेकिन आपने जो आप कॉन्फिडेंस दिखाया है, इसी कॉन्फिडेंस को अपने साथ लेके चलना, और इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह खिलाता रहे। इंशाल्लाह शायद भाई, इंशाल्लाह शायद भाई। मिसबाउल हक भी मौजूद हैं उस्मान, मिसबाउल हक का, मिसबा अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहें, कल की उस्मान की एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग वैसे रही, जबरदस्त। जी बिल्कुल, कई ऐसी इनिंग जब आप खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है ना वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हैं या सोचते हैं कि ओके फाइन तीन मार ली है मैंने, मैं अब थोड़ा सा आराम से खेल जाऊं, लेकिन जिस तरीके से कैरी ऑन किया लेग स्पिनर को, फास्ट बॉलर्स को और दोनों तरफ, मतलब सबसे अच्छी चीज ये थी कि जहां का बॉल आ रहा था उधर को मार रहा था ये, राइट। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ा जो लाला ने भी बात की ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप पहले ही आपको चांस मिला तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें माइंड में होती है, लेकिन वो नहीं देखा, टीम गोल देखा कि भाई यहाँ पे 250 प्लस करेंगे तो फिर ही जाके कहीं मैच जो है वो जीतेंगे, और उसको कैरी ऑन किया अपने पहले मैच में, सो वेरी वेल डन, और होपफुली इंशाल्लाह कि ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, और जहाँ बेहतरी की जरूरत है अपनी बैटिंग में और ज्यादा बेहतरी, बट इट वाज आउटस्टैंडिंग इनिंग। एब्सोल्युटली बिल्कुल जी उस्मान। उस्मान थैंक यू मिसबा भाई, थैंक यू मिसबा भाई, आपसे भी काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन बस बड़े शायद भाई हैं आप हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर लगता है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, बस क्रिकेट में थोड़ी सी स्ट्रगल की थी, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उस्मान, लाला से हमने पूछा कि जब 96 में लाला ने फास्टेस्ट सेंचुरी की थी तो उस वक्त क्या वो सोच रहे थे, तो लाला ने कहा अगर सोच के करता तो कुछ भी नहीं मैं कर सकता, आप कल क्या सोच रहे थे कि इतने रन्स बनाने हैं, इतने टीम को रन्स चाहिए, या आपने भी बस कहा कि बस मैं आऊं और अपने आप अपने टैलेंट को अप्लाई करूं? शायद भाई जब मैं कोटा ग्लैडिएटर से फर्स्ट मैच खेला था, मैंने 81 किया था, लेकिन उसके बाद मैं बीएसएल से बहुत पीछे चला गया था, क्योंकि मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लड़कों से, बाबर भाई से, इन लोगों से, बड़े लड़कों से जो बड़े नाम है, बड़े प्लेयर हैं, इन लोगों से सीखा है, लेकिन कल जब मैं बैटिंग करने गया था तो रिजवान भाई को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था, तो रिजवान भाई से मैं यही बात कर रहा था, रिजवान भाई ने मुझे एक चीज़ का कॉन्फिडेंस दिया था, सिर्फ उन्होंने बोला था कि उस्मान मुझे यकीन है, मैंने तुम्हें देखा हुआ है, तू अच्छा खेलता है, तू करेगा, टेंशन परेशानी नहीं लेनी, जो काम करता है अल्लाह पे छोड़ दे, आज तेरे पास दिन है, कर, तू करेगा। मैंने बोला रिजवान भाई एक बाउंड्री लगेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, रिजवान भाई ने बोला लगेगी, तो बस मैं खेलता रहा, तो एक टाइम पे जब मैं 40 पहुंच गया मुझे यकीन भी नहीं होगा था। उस्मान थोड़े से अपने सीधे हाथ पे आप हो जाएंगे तो हमें आपका पूरा चेहरा भी दिख जाएगा, थोड़े से अगर सीधे हाथ पे हो जाएंगे। हाँ बस रिजवान भाई ने मुझे ये बोला, एक चोट लगा, रिजवान भाई ने बोला तुम्हें पता है कंडीशन कैसी है, मैंने बोला जी रिजवान भाई इंशाल्लाह, तो रिजवान भाई बस बताते रहे, मैं जो मेरा नेचुरल था मैं खेलता रहा,
मैंने रिजवान भाई को यही बोला, रिजवान भाई मेरा फ्लो बना हुआ है, मुझे इसी फ्लो में खेलने तो हाँ। जब 90 पे पहुंचा रिजवान भाई ने बोला 10 रन रह गए हैं उस्मान थोड़ा स्लो खेल ले। अच्छा। मैंने बोला रिजवान भाई मेरा फ्लो बना है, मुझे चलने तो कोई अल्लाह खैर करेगा। क्या बात है, ये मुझे लगता है उस्मान आपने सबसे अच्छा फैसला किया, बिकॉज ऑब्वियसली जब एक फ्लो बना हुआ होता है मुझे लगता है जब रोकने की कोशिश करता है बैटर शायद जब आउट हो जाता है। बट उस्मान बहुत अरसे से मैं आपकी डोमेस्टिक जर्नी फॉलो कर रही हूँ, सिंध की सेकंड 11 से खेलते रहे, रमजान टूर्नामेंट्स में मैंने आपको कई दफा खेलते हुए देखा, इनफैक्ट मैंने वो रमजान टूर्नामेंट्स कवर भी किए जिसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, बट देन आपकी जर्नी आगे बढ़ी और आप यूएई चले गए। कुछ थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताएंगे और उस डिसअपॉइंटमेंट के हवाले से बताएंगे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में आप इतना ज्यादा अच्छा खेल रहे हो उसके बावजूद अगर आपको स्पेस ना मिले तो। नहीं, ऐसे बात है कि मैं किसी पे भी बिलीव नहीं, मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं सिंध की टीम बहुत बड़ी है, मुझे इतना अपने पे था कि यार मैं इस टीम में जगह नहीं बना सकता तो मेरा टाइम ना ज़ाया हो, क्योंकि मुझे अपने पे इतना यकीन था कि अगर मैं कुछ करूँगा तो लोग मुझे पसंद करते हैं लेकिन इधर मेरी जगह नहीं बनेगी, तो मैं ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ मैं शो के नज़र आ सकूँ। वो मैं यूएई में गया, उधर जाके मैंने काफी टाइम क्रिकेट खेली, थोड़ा सा हाईलाइट हुआ तो फिर पाकिस्तान के लोग मुझे फॉलो करते थे, तो बस हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करता रहा, एक जगह नहीं मिली दूसरी जगह चला जाता था, दूसरी जगह नहीं मिलती थी तीसरी जगह चला जाता था, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप हिजरत करो, मैं उस बात पे चलता रहा, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसी कामयाबी दी है कि जो मैं अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकता था। शायद भाई लोगों को देख के क्रिकेट शुरू की लेकिन ये सोचते थे कि अल्लाह पता नहीं कब हम इनसे मिलेंगे, लेकिन क्योंकि मैं मैच देखने बहुत कम ग्राउंड में जाता था लेकिन अभी भी नहीं मिल सका, लेकिन क्रिकेट इतनी अच्छी खेलूंगा क्या पता कल को बड़े स्टारों से मिल सकूं। नहीं नहीं बिल्कुल उस्मान, आप बिल्कुल उसी रास्ते पे हैं और लाला इस वक्त जो है वो आपको सुन भी रहे हैं ना, मुझे यकीन है कि आप जब भी लाला भी पाकिस्तान वापस आते हैं आप भी फिलहाल यहीं पर होंगे, ज़रूर आपसे मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह, आपकी मुलाकात बल्कि हम करवाएंगे आपकी लाला के साथ स्टूडियो में, दोनों को बिठाएंगे साथ। आप फारिग होकर आए PSL से बी आर गेस्ट हमारे मेहमान बने और हम लाला को भी यहाँ पे बुलाएंगे इंशाल्लाह। लाला कमिटमेंट कर लें आपके बिहाफ पे। नहीं डन है, हमारे स्टार है जी, इंशाल्लाह फ्यूचर स्टार है इंशाल्लाह, बस उस्मान बेटा अपने क्रिकेट पे ही ध्यान देना ठीक है ना, क्रिकेट के अलावा किसी चीज पे कोई फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह पे बिलीव रखो और अपने ऊपर यकीन रखो और मेहनत कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान देना है आपने, अगर आपने वाकई क्रिकेट खेलनी है तो इस इनिंग को आपने भूलना होगा और आगे के लिए सोचना होगा ठीक है ना, बाकी कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो आपको किसी भी हवाले से एनी टाइम, आपका बड़ा भाई हूँ मैं, बड़े भाइयों की तरह कभी भी आप कह सकते हो मुझे। लाला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान ने एक बहुत छुपता हुआ सच पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बोला जो मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगी, मैं फिर उस्मान से भी पूछना चाहूंगी कि क्या वजह बनी ये स्टेटमेंट देने की, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस बात से अग्री करती हूँ। उस्मान ने कहा कि जब कोई पाकिस्तानी प्लेयर बाहर के मुल्क चला जाता है और फिर वहाँ से जब खेलने आता है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, हमने इमरान ताहिर को देखा है, हमने और हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बाहर जाके खेलने लगे, फवाद अहमद खेलते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी आदिल राशिद और जिनकी ओरिजिन हम कहते हैं कि पाकिस्तान से है। सो उस्मान आपको ये एक इम्प्रेशन मिला था इस वजह से आपने कहा कि नहीं जी अब पाकिस्तान से कूच करो और कहीं और जाके खेलो कि मुझे जो है यहाँ पाकिस्तान में रिस्पेक्ट मिले? नहीं, ऐसा माइंड में मेरे तब आया जब मैं बड़ी क्रिकेट खेलने के लिए कराची मूव हुआ तो, लेकिन जब मैं कराची की टीम में जगह नहीं ना बना सकता था तो मैं एक बात ज़रूर सोचता था, मैं बोलता था अगर मैं कराची की टीम में जगह नहीं ना बना सकता तो टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम जितना जल्दी गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, तो उसकी वजह से मैंने वो रिस्क मैंने ज़िंदगी में बहुत लिए हैं, क्योंकि अगर आप रिक्स लेते हो तो जिंदगी में कामयाब होते हो, क्योंकि हमारी पाकिस्तान जब जागती है तो तब जागती है, उसके अलावा नहीं जागती, और मैं थोड़ी कोशिश की अपने माइंड को जगाने के लिए कि अल्लाह से बस यही मांगता था कि अल्लाह जी क्रिकेट अच्छी खिला देना, बस उसी मेहनत में लगे रहे, बाहर जाके थोड़ा सा परफॉर्म किया तो उसके बाद पाकिस्तान में मेरी थोड़ी सी इज्जत हुई, लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह पे यकीन था कि जब भी मैं मैच खेलूंगा मैं नेक बंदे के अंडर खेल रहा हूँ, रिजवान भाई बहुत नेक है, उस जैसा दुनिया में
मैंने नहीं बंदा देखा होगा इस टाइम पे अपनी लाइफ में 22 दिन में मैं रहा हूँ। क्या बात है। तो उससे सीखो कुछ। उसने बोला था कि अल्लाह पे छोड़ दे, तू जब खेलेगा तू परफॉर्म करेगा। मेहनत करता रहा, रुका नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि 10वां मैच खेला, परफॉर्म किया, कभी सोचा नहीं था। उस्मान, आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी एक्चुअली जो आपका डिस्कशन यहाँ पे मीडिया पे पहली बार हुआ या बड़े अरसे बात हुआ, जब आपने BPL में भी एक सेंचुरी स्कोर की, उस्मान क्वालिटी में क्रिकेट में अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज पिंडी के बारे में कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कुछ ज़्यादा ही बल्लेबाजों के लिए जो है वो साजगार वहाँ पे कंडीशंस बना दी गई हैं, इसको अगर आप कंपेयर करें, और ये रिकॉर्ड्स भी यही बता रहे हैं, 15 जो टॉप स्कोर्स बने हैं इस साल PSL में, उसमें 12 जो हैं वो पिंडी स्टेडियम में बने हैं। ज़ाहिर है कल तो आपने देख लिया, कमाल ही हो गया। सो अगर आप कंपेयर करें BPL के साथ और यहाँ कंडीशंस को, तो क्या फ़र्क आपने पाया? सर ये एक चीज़, मैंने जितनी भी जगहों पर भी मैंने क्रिकेट खेली है ना, एक चीज़ मैंने अब अपने पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल पे नोट की है और दूसरी जगहों पे भी नोट की है। अब दूसरी जगहों पे कुछ जगह जैसे भी बांग्लादेश है, UAE है, जिन जिन जगहों पे मैं खेला हूँ, उन जगहों पे लोग इतनी मेहनत नहीं करते। ओके। लेकिन हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट इसलिए इस टाइम पे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ऊपर लेवल पे चले गई है कि अभी मैं बाहर खेलता था, पाकिस्तानियों से बैट्समैन एक मरतबा डरता है, पाकिस्तानी है तो डरता है, वो बोलता है कि यार पाकिस्तान से आया, अच्छा इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, उसमें लड़के जो मेहनत कर रहे हैं ना, दिल से ग्राउंड को टाइम दे रहे हैं, सबको बुला के, सिर्फ उनका यकीन है कि हम खेलेंगे, वो खेलता है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मेरा यकीन था मैं एक अच्छी जगह पे क्रिकेट खेलूंगा, मैं खेल रहा हूँ। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत फास्ट है, आप जगह नहीं बना सकते, आप प्लेयर को बीट नहीं कर सकते, उसके लिए अगर बीट करना है तो आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड की मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभी हमारे बाबर आजम है, रजवान है, जो मैंने अपनी आंखों के सामने सुना है, देखा है, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसे नंबर वन पे नहीं है, उनका हक है। बिल्कुल, ये बात वाकई नोटेबल है। हम इतना अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, ये फ्लॉ वो फ्लॉ, उसके बावजूद हमें ऐसे ऐसे स्टार्स देखने को मिलते हैं और ऐसे ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो आउट ऑफ द ब्लू आके ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस PSL में भी देखा है। बट यस, उस्मान आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू, एंड हम आगे ज़रूर जो आपसे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे वादा किया उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे कि लाला के साथ आपको एक चांस दे बैठने की। हमें अब मुश्ताक अहमद साहब ने भी ज्वाइन इन किया है, सो मुशी भाई को भी खुशामदीद कहते हैं, बट खुशामदीद कहने के साथ साथ एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन करते हैं कंटिन्यू। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे, द स्टार ऑफ यस्टरडे, कल जिस तरह उन्होंने जबरदस्त एक क्विक सेंचुरी, दी फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई PSL की, 36 बॉल्स पर जो है वो सेंचुरी स्कोर की। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको दिखा जरूर दिया था कि हमारे साथ मुशी भाई ने ज्वाइन इन कर लिया है, तो अब मुशी भाई आपको हम खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अभी है ही नहीं, वो हमने दिखा दिया था, बट ये आ जाएंगे। उनको भी नहीं पता था कि ब्रेक खत्म हो गया बारह, लेकिन फिर भी जो भी था। बट बाय द वे सवेरा, देयर इज अ मिनी अपसेट इन द मेकिंग राइट नाउ, इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त T20 सीरीज हो रही है, मीरपुर में ये मैच चल रहा है। इंग्लैंड को मैच जीतने के, बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए सिर्फ 13 रन चाहिए 14 गेंदों पे, 5 विकेट उनके पास मौजूद हैं। बांग्लादेश शुड विन दिस गेम, और इस मैच के जीतने का मतलब ये है कि बांग्लादेश ये सीरीज भी जीतने में कामयाब हो जाएगा। वर्ल्ड नंबर 2 टीम इंग्लैंड विल बी लूजिंग टू वर्ल्ड नंबर 9 बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भी सही काम लगाया हुआ वैसे, अपने होम ग्राउंड में बुला के टीमों को ऐसा हराते हैं, और बेचारे जरा कहीं वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट में पहुंचेंगे। आई रियली फील फॉर बांग्लादेशी सपोर्टर्स वैसे, बाय द वे इस पे कभी उनका रोएंगे, बिकॉज मुशी भाई मुझे इस पर टीवी पे नजर आए। सो अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। कंग्रेचुलेशंस फॉर द ब्रिलियंट विन मुशी भाई, जबरदस्त परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की, बट वो कहते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत, थोड़ा सा मेरे ख्याल से रियलाइजेशन इस बात की जरूर मुल्तान सुल्तान को होगी कि उस्मान खान को थोड़ा शायद जल्दी चांस दे देते। नहीं ऐसा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐसा लगता है कई दफा आपको अपने जो पुराने प्लेयर होते हैं जिन्होंने बहुत परफॉर्म किया होता है उनको मैक्सिमम चांस देना पड़ता है आपको, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ट अप उनके अंदर रहे। क्योंकि एक बात येगा कि जब तक कोचों का और मैनेजमेंट का बिलीव अपने प्लेयर्स के ऊपर जमा नहीं रहा होगा, बिल्कुल तगड़ा नहीं होगा,
तो फिर प्लेयरों का भी जो बिलीव होता है ना वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जल्दी शफल शुरू कर देते हैं ना, पैनिकिंग बटन दोबारा शुरू कर देते हैं जल्दी से, तो फिर आपको ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग फिर अपने लिए खेलते हैं, फिर टीम के लिए नहीं खेलते। तो आई थिंक ये बड़ी फाइन लाइन होती है, आपने बड़ा सोच समझ के फैसले करने होते हैं कि जी कब कब किसको मौका देना चाहिए, कौन सी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, कैसी, so you know you got to see the all the elements. So I think Usman played brilliantly yesterday. What a game, what a innings, yeah, zabardast khela hai, koi isme shak nahi. Aur zahir hai PSL ki history ki books mein na sirf Usman ne apna naam likhwaya balki Multan Sultan, I mean 262 runs bana dena. Waise Mushi bhai sach bataiye, kisi mauke pe laga tha ki ye total bhi overall hone wala hai, aur wo to tha na aadhe aadhe match ke liye badi glory feel kar rahe hote hain, lekin agar wo ओवरहॉल हो जाए तो फिर थोड़ी सी अजीब सी शर्मिंदगी सी भी फील होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लगा वैसे कि अब ये तो पहुंचने वाले हैं यहाँ पे करीब, इतने बड़ा स्कोर हो जाए शर्मिंदगी नहीं, बहुत शर्मिंदगी होती है मगर पता क्या, एक स्टेज पे तो लग रहा था क्योंकि चार ओवर में 50-60 रन यहाँ पे कुछ नहीं है, आप यकीन करें कि तो विकेटें उनकी गिरती जा रही थी ना, इसलिए वो आसान लग रहा था, मतलब मुश्किल लग रहा था, मगर अगर आप देखें तो क्या पिचेस बन रही हैं, ग्राउंड मैन को इसका वैसे क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि 2020 की जो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है उसमें तो है, ये जो पिचे हैं बहुत जबरदस्त पिचे 2020 की हैं, मगर हैविंग सेड दैट द क्वेश्चन यू आस्क मी, एक स्टेज पे लगा था मैं और एंडी बार बैठ के थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन में हुए थे, हमने डिस्कस शुरू कर दिया था कि कौन सी फील लेनी है, कैसे मैसेज भिजवाना है, कोई ऐसी बात करें जितने इम्पैक्ट डाल सके, फिर जो जो 3 मिनट की ब्रेक होती है बीच में उसमें जाके फिर हमने लड़कों को उठाया पूरा, उनको कहा कि जी डोंट गिव अप एंड डोंट थिंक के डोंट अज्यूम के जी मैच इज ओवर, ये दिस इज अ फनी ओल्ड गेम, यू नो यू हैव टू प्ले वेरी वेरी प्रोफेशनल क्रिकेट हियर, सो फिर वो जाहिर है फिर अब्बास ने भी अच्छी बॉलिंग शुरू कर दी और वो लड़कों ने अच्छी बॉलिंग की है बीच में, असामा ने कल अच्छी बॉलिंग की बीच में 2-3 ओवर, बिल्कुल मतलब सब जब इतने एक्सपेंसिव जा रहे थे तो ओसामा वाज प्रिटी इकोनॉमिकल, और ये आप ये सोचे ना मुशी भाई 262 के बाद भी ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं ये चेज ना हो जाए, मगर मुशी भाई आज का जो मैच है उस पर भी मुल्तान सुल्तान की जरूर नजर होगी, बिकॉज इस्लामाबाद और पेशावर जो है वो इस वक्त एक्शन में है, और अगर तो इस्लामाबाद जीतती है तो फिर मुल्तान सुल्तान को क्वालिफायर से पुश करके एलिमिनेटर में भेज देगी, बट अभी हालात जरा मुश्किल लग रहे हैं, मगर यू नेवर नो, 32 बॉल 70 रन नजर तो आप लोगों की होगी इस मैच पे जरूर, 100% बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये आसान हो जाता है आपके पास, यू नो दो चांस होते हैं तो पहले चांस में आप फ्रीली खेल सकते हैं, बट यू नो लाइक आपको टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको क्रिकेट तगड़ी ही खेलनी पड़ेगी, आपको हर टीम हर कंडीशन में दूसरी टीम से ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आप टूर्नामेंट जीतते हैं, ये तो आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है, और अब यस यू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी, अगर अल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि जी आपके पास दो चांसेस हैं तो इसमें आप फ्रीली थोड़ा सा एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट ओवरऑल तो अगर टूर्नामेंट जीतना है तो फिर आपको हर सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल मुशी भाई। और अब जाहिर है ये जो मैच इस वक्त चल रहा है फोर्थ जिस पे आपकी नजरें हैं, ये पिंडी लेग का आखिरी मैच है, अब आज रात से जो है वो जो एल क्लासिको होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग का, लाहौर वर्सेस कराची, अब हम कदाफी स्टेडियम में वापस आ गए हैं और ऑल द वे टिल फाइनल कदाफी स्टेडियम में ही है, खुशी हो रही है आपको कुछ जरा सा ये फीलिंग आ रही है कि बस यार बहुत रन बन गए थे, अब जरा थोड़ा सा बॉलर्स को भी मौका मिलना चाहिए, कोई एक बैलेंसिंग एक्ट तो होना चाहिए, या फिर आप चाहेंगे कि लाहौर में भी कुछ ऐसी कंडीशंस मिलें जो आपने पिंडी में एंजॉय किए? आई थिंक मोमेंटम जरूर पिंडी वाला शिफ्ट होगा इधर, उसकी वजह पता है क्या है, उसकी वजह है कि जो कदाफी स्टेडियम की पिचे भी है ना वो अगर वो गीली थोड़ी सी ना हो उसमें मॉइस्चर ना हो तो वो भी बड़ी पटाखा पिचे होती है, बड़ी फ्लैट पिचे होती है, सो आई थिंक वो मोमेंटम अब लोगों का माइंडसेट बनता जा रहा है कि 2020 का जो ब्रांड है उसमें आप पावर प्ले को किस तरह खेलना है, उसके बाद ऑल द वे मोमेंटम को कैसे कंटिन्यू करना है, तो ये पिंडी की जो पिंडी के मैचेस हुए ना इसमें लोगों ने काफी अपने आप को, जो कई दफा सिचुएशन ऐसी होती है ना जिसका एविडेंस चाहिए होता है आपको, वो एविडेंस यहाँ पे मिला है 2020 का कि ये ब्रांड अब चल रहा है, ये मॉडर्न क्रिकेट है, तो आई थिंक इसमें काफी लोगों को एक एविडेंस मिला है कि क्रिकेट अब 2020 की इसी तरह चलनी है, तो आई सिचुएशन को सामने रख के फिर फैसले किए जाते हैं कि जाहिर अगर स्विंग हो रहा हो, सीम हो रहा हो या स्पिन हो रहा है तो फिर 200 की बजाय आपका 170-160 पार स्कोर हो जाता है, सो आई थिंक जो सिचुएशन और कंडीशन होती है ना
वो बड़ा डिक्टेट करती है आपके आपके ब्रांड को और आपकी स्ट्रेटजी को किस तरह क्रिकेट खेलनी है। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, फ्लैट पिचे थी इसमें कोई डाउट नहीं, 242 पे 242 दो दफा हो गया और कल वाला रात वाला मैच ऑलमोस्ट यू नो लाइक वो ले गए थे मैच। बट मैं आपको एक यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, आई थिंक अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है और उसका टेम्परामेंट तगड़ा है और वो कंडीशन को सामने नहीं रखता और अपने प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है और फील्ड पोजीशन के साथ खेलता है, अदील और सवेरा याद रखिएगा क्रिकेटिंग पॉइंट से बात बता रहा हूँ, आपने ऐसी फ्लैट कंडीशन के ऊपर एक बॉल के लिए फील्डिंग सेट नहीं करनी होती, एक ही बॉल के ऊपर बैट्समैन के माइंड में ये डाउट होना चाहिए कि ये यहाँ पे भी कर सकता है यहाँ पे भी कर सकता है, उसके लिए आपको फील्ड पोजीशन ऐसी करनी पड़ती है जिसकी वजह से बैट्समैन के माइंड सेट डाउट में रहे। और वेरिएशन यॉर्कर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा है कि यॉर्कर के जिसने भी यॉर्कर अच्छे मारे हैं, अब्बास ने स्लो वन अच्छे किए, यॉर्कर अच्छे मारे हैं, उनको एक छक्के दो छक्के पड़े हैं मगर वो पंजा लगा गया है। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अच्छी बॉलिंग करेगा उसको रिजल्ट इस पिचों पे भी मिलते हैं। बिल्कुल, वो वही है ना कि जब आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं तो पिच विच इट डज नॉट मैटर, जब आपके पास अपनी एबिलिटी और आप उस एबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। मुशी भाई, हम मैं और अदील जो हैं वो यूजुअली एक सेम ओपिनियन पे होते हैं मगर इस पे हमारा ओपिनियन ना एक अलग ओपिनियन है। अदील को ये लगता है कि पिंडी में जिस तरह की पिचेस बनी वो दैट इज डैमेजिंग पीएसएल और पिचेस ऐसी नहीं बननी चाहिए, पीएसएल की एक अपनी बोलर हैवी और बोलर अच्छे बोलर और ये होना चाहिए, बराबरी का होना इस तरह ये लीग का एक एक, एक मतलब एक इंप्रेशन है। मुझे ये लगता है कि शायद इस तरह की पिचेस से, वो कहते हैं ना ब्रेकिंग द माइंडसेट, हम अपने लड़कों की बात करते हैं कि हमारे लड़के क्यों इस तरह ब्रूटल बैटिंग नहीं करते जिस तरह हमें जो है वो वेस्ट में करते हुए हमें दूसरे प्लेयर्स दिखते हैं। सो ये चाहे ठीक है अच्छी कंडीशंस हैं बेल्टर्स हैं मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि माइंडसेट आप वो बैरियर तोड़ रहे हैं, मेंटल बैरियर। सो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू की साइड पे हैं मुशी भाई? आई टोटली एग्री विद यू, जो मेंटल बैरियर होता है ना वो आपको एविडेंस चाहिए होता है। समटाइम यू नो कोच जब कोई प्लेयर को बताता है या कोई आप बात करते हो ना तो आपको एविडेंस होती है, कई दफा आपको इन चीजों से एविडेंस मिलता है कि देखे जेसन रॉय ने 242 में 242 कर दिया, आपका आपने राइली रोसो खेला है उसने 100 करके मैच को परे कर दिया, 242 कर दिया, ये एविडेंस लोकल प्लेयर्स को अब मिलना शुरू हो गया है। और उसकी रीजन ये है कि आप देखें ना कल उस्मान खेला है, वो बाहर की लीग में ज्यादा खेलता है, यूएई में ज्यादा क्रिकेट खेलता है, अब उसका उसने जो ब्रांड खेला है जो उसने क्रिकेट खेली है, तो ये एविडेंस समटाइम आपको गुफ्तगू से नहीं मिलता, आपको इस परफॉर्मेंसों से मिलता है कि जी ठीक है बैटर्स तो हैं, पिचेस तो बहुत फ्लैट हैं, हिट द बॉल थ्रू द लाइन, स्पिन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मगर ये इन चीजों का एविडेंस मिलने का ये नतीजा होता है कि बंदे का माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। और हमने तो ये, मैं इस टोटली एग्री करता हूं कि इसमें आप किसी भी बॉलर को उठा के देख लें जिसने अच्छी बॉलिंग की है, जिसने यॉर्कर अच्छे मारे हैं, जिसने स्लो वन अच्छे मारे हैं, उसको दो छक्के जरूर पड़े हैं, उसको बिल्कुल और जिसने जिस तरह की No, I think there is something wrong with the current. मैंने तो मैच क्यों हुआ कल? जी। उसको हालांकि 100 तो उसने किया था, 200 किया था, मगर because उस पिच के ऊपर ऐसे बॉलर ने आके तीन विकेट, दो विकेट लिए, हैट्रिक कर गया वो। अब ऐसी पिचों के ऊपर एक बंदा पंजा लगा रहा है और उसने रणजीत वो देखा जाए तो पिच के मुताबिक, हालांकि उसने कल मैच के बाद कहा भी है कि एक दो चांस लिए हैं उसने कहा कि जी मैं विकेट लेने चले गया था इसलिए दो छक्के खा ले उमर अकमल से। अब इसका मतलब ये है कि अगर वो अपने प्लान से हटा और अपने प्लान को एग्जीक्यूट सही नहीं किया और थोड़ा सा विकेट के ऊपर चला गया है तो उसको दो छक्के पड़ गए, वापस आया अपने प्लान के ऊपर, यॉर्कर मारा, स्लो वन मारा, स्लो बाउंसर मारा है, तो वो कामयाब हो गया और मैन ऑफ द मैच मिल गया उसको, इसी विकेट पे बॉलर मैन ऑफ द मैच हुआ है। बहुत जबरदस्त जी, ग्रेट, मुझे इंशाल्लाह आई विल फाइंड माय सपोर्टर्स सून, आएंगे जो सपोर्ट करेंगे। नहीं, लाला ने किया था, लाला ने सपोर्ट किया था, लाला कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा ही रन्स जो है ना यहाँ पर आ गए, लेकिन मिज़बान ने मुझे सपोर्ट किया, मिज़बान ने इनको सपोर्ट किया था। चलें जी, अभी हम देखते हैं बाकी कैसी होता है। इरम भी आ गई हमारे साथ आज 4 या 5 दिन के ब्रेक के बाद, मेरे ख्याल से इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम वेलकम बैक, कैसी हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस, मजा आया एग्जीबिशन मैचेस खेल के? जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। और मैं वही अभी तक कह लें कि मैं अभी उसी मजे में ही हूँ, बहुत मजा आया और बहुत इंजॉय किया, कह लें कि एक ड्रीम कम ट्रू था, इसका वेट कर रहे थे और इन मैचेस का, इस लीग का। और जैसे बात भी की थी कि बाहर के ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेलना एक ये बहुत बड़ी बात है और इसका सारा क्रेडिट मुझे लगता है पीसीबी को जाता है।
बिल्कुल, और मतलब ये कि एक एक बहुत अच्छा, दिस इज जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड के हम जो है वुमेन क्रिकेट में इस तरह देख रहे हैं कि अब शायद आगे हम कुछ सोच सकें. ठीक है, अभी अभी मैं आई वुड से कि टाइम है इसमें कि एक लीग हम प्रॉपर सोचें. अभी उसमें टाइम लगेगा, बट ठीक है, छोटे 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 बेबी स्टेप्स तो हमने आगे ये बेबी स्टेप्स लिए हैं. बट इरम, साथ साथ जहां आप खेल रही थी वहां आई होप आप जो है बाकी पीएसएल के मैचेस भी फॉलो कर रही हो. नहीं बिल्कुल, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने इतने ज्यादा मैचेस फॉलो नहीं किए. हाँ देखे मैंने जरूर है मैचेस, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस कह लें कि मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है. लेकिन मैं वहां पे मिली हूँ, मैं मुल्तान सुल्तान की टीम से मिली हूँ और पिशावर जलमी की टीम से मिली हूँ. जिस टीम से मिली, जिस टीम से बात की, वो टीम जीत गई इरम है. हाँ जी बिल्कुल, मेरी मैंने आपको बताया भी था कि मेरी रायली से बात हुई और मैंने उसको कहा कि तुमने जो है 43 पे किया है 2020 में, तो तुम्हें अपना रिकॉर्ड तोड़ना है. तो उसने कहा कि मैंने 43 नहीं 42 पे किया था. मैंने कहा तुम्हें अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, और उसने कल के मैच में, परसों के मैच में देखें, उसने 41 पे कर दिया. लेकिन बहुत अच्छी बात है, उस्मान आया, मैंने एक बार देखा है. मैं अपने हमारे कोच जो कोच थे हमारी टीम के, मैं उनसे पूछ रही थी क्योंकि वो एनसीए में होते हैं ज्यादा, उनको आइडिया था. मैंने कहा सर ये उस्मान कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये होता था, ये यूएई चला गया, वहां से खेलता है. तो मैंने कहा यार उसकी बैटिंग देख के तो मतलब बाकी सारों को भूल गए हैं कि उसने 36 पे जो है वो 100 कर दी और फास्टेस्ट सेंचुरी कर दी है, तो ये बहुत बड़ी बात. बस आपकी हम उस्मान से दोबारा मुलाकात का अरेंजमेंट करवाते हैं मुशी भाई, ताकि वो 32 बॉलों पे सेंचुरी करे इस बार. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर मुश्ताक से भी मिली, मैं इनके पास गई, मैं इनसे मिली तो इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं. मैंने कहा सर आपने पहचाना नहीं. हाँ मुशी भाई आप पहचाने नहीं इरम को? मुशी भाई देखते ही नहीं है स्क्रीन पे असल में. नहीं नहीं मैंने मेरी आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज एकदम गायब हो गई सर. मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा सर वैसे तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया मुल्तान, अभी क्या अभी दोबारा बोलिएगा क्या कह रहे थे आपने मुझे कहा था कि मुल्तान बोल देना. मुशी भाई और इंजी भाई जो है ये हमारे साथ जूम से कनेक्टेड होते हैं, तो सिर्फ आवाज सुन रहे होते हैं, ये आप लोग को देख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली ये जो है. बट मेरा ख्याल से वक्त का मुकाबला सख्त, तो हम प्रिडिक्शन पे और प्रिडिक्शन आज की, क्योंकि ये मैच अगर खत्म हो जाएगा तो इसकी प्रेडिक्शन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. हेड देख ले मेरा ख्याल से. बिल्कुल, अभी आप कौन से वाले मैच की, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर जलमी और इस्लामाबाद, दैट्स मैच इज ओवर नाउ. अब क्या इसकी प्रेडिक्शन लेनी है, नहीं क्यों क्या पता 22 बॉल्स पे बन जाए रन्स, तो यू नेवर नो कि बन सकते हैं कि नहीं बन सकते. तो हम अब तो पेशावर जीतेगा, जीत गया है, विकेट भी गिर गई है, मुझे नहीं लगता कि ये चेज हो सकता है. कोई बात नहीं, हमने लाला और मिसबा से पहले से जो है ना वो ली हुई थी प्रेडिक्शंस, तो हम उनकी मेंशन कर देंगे प्रेडिक्शंस और आप लोग की भी प्रेडिक्शंस जान लेंगे. बट जलमी इस्लामाबाद यूनाइटेड, अच्छा इसमें तो देखें अगर हेड टू हेड अगर आप देखें तो ये तो 19 मैचेस जब तक हुए, इस्लामाबाद हैज वन 10 एंड पेशावर जलमी हैज वन 9. लेकिन ये मैच जिस डायरेक्शन में जा रहा है, 21 बॉलों पे 55 रन चाहिए, सिर्फ दो विकेटें बची हैं. पेशावर जलमी अगर ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो फिर भी इट विल बी इक्वल 10-10. सो व्हाट अ राइवलरी दिस इज टर्निंग आउट टू बी, वेरी बैलेंस्ड. और सवेरा इसकी प्रेडिक्शन लेनी है फिर आपको? बिल्कुल, इसकी प्रेडिक्शन जो है हम बिल्कुल आप लोगों से पूछ लेते हैं. इरम व्हाट डू यू थिंक, पेशावर जलमी? यस पेशावर जलमी. ठीक है मुशी भाई, आप तो खैर आपसे पहले भी मैं पूछती तो मुझे पता था कि पेशावर जलमी कहते हैं आप. नहीं नहीं, अगर अगर 3 बॉलों पे 20 बॉलों पे 3 भी रहता है तो फिर भी मैंने पेशावर जलमी ही कहना था. फिर भी मगर मुशी भाई आपके लिए तो पेशावर जलमी, हाँ पेशावर जलमी का ही जीतना जरूरी है मुल्तान सुल्तान के लिए, तो बिल्कुल डबल डबल ये तो जरूरी था. और मिसबा की अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो मिसबा ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को चूज किया था एंड लाला ने पेशावर जलमी को चूज किया था, और इमाम की हम तक प्रेडिक्शन अभी तक पहुंची नहीं है. सो यस, दूसरा मैच जो आज खेला जाएगा दैट इज दी एल क्लासिको. बट एल क्लासिको उसको कहते हैं, अपनी कोई मुकाबला ये सिर्फ ऐसे ही है बस. अब ये अपनी खुशी के लिए कराची किंग्स ये मैच खेलेंगे और हरा देंगे अगर कोयटा को, लाहौर को हराया था कराची में. हाँ, ऐसी तो क्या अपनी बात खुशी के लिए खेलेंगे ना, करेंगे क्या. लंबी है गम की टेबल पे शाम, तो मगर शाम ही तो है, कोई मसला नहीं है. सो हेड टू हेड पे जरा नजर डालते हैं, हेड टू हेड पे नजर डालते हैं जी. देख लें आप, ये देख लें सवेरा ऐसी. अच्छा मेरे मेरे शेर पे मुशी भाई क्या कह रहे थे, आप पहले बता दें. मुशी भाई कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैंने कहा ये देखे कंपनी का ये फर्क पड़ता है कि when you have a poet poet friends you become a poet. Absolutely. So Adil ka sher kitna zabardast hai, dekho usko kisi ne appreciate nahi kiya iski wajah se, kyunki ye zakhira alfaz jo hote hai na ye bade bahut kam logon ko samajh aati hai Adil. Bahut shukriya.
माइंडसेट हैज टू बी माइन एंड योर्स नाउ। मुशी भाई बस एक मुकरर मुकरर इरशाद, मुकरर इरशाद, नहीं वो लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है ये, बड़ी बड़ा मशहूर जो है ना दिल ना। मुशी भाई जवाब ही आ जाए इस पे कोई कोई शेर में, दिल ना ना उम्मीद ना सही नाकाम ही तो है। अच्छा जी जी सॉरी, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन के सहन में से रास्ते बना, मेरे लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। अहमद फराज का बड़ा मशहूर ये शेर जो है माना जाता है। लेकिन मुशी भाई बस इसी बस अब क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, कभी मैं आपसे मिलूं लाइफ में आके मुझे पहचान लीजिएगा, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट। अच्छा थोड़ा सा बेनिफिट डाउट दे दिया करें मुझे और इंजी को, क्योंकि हमारी एजेस ऐसी आ गई है कि कई दफा तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। नहीं नहीं डन हो गया, डन हो गया। चलें जी कराची वर्सेस लाहौर, कराची हेड टू हेड हैं इस मैच को, और 10 नहीं माफ करिएगा 16 दफा ये दोनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। कराची किंग्स हैज वन इट 10 टाइम्स एंड लाहौर कलंदर्स हैज वन इट 6 टाइम्स। नेशनल स्टेडियम कराची में इस सीजन में पहले ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं, और उस वक्त कुछ लगा ये था उस मैच के बाद जैसे कि कराची किंग्स का जो सीजन है वो चालू हो गया है, लेकिन बस वो उसके बाद ही बिल्कुल पुश हो गया सीजन। और कराची किंग्स बाय द वे 67 रन से वो मैच जीतने में कामयाब हुआ था, लेकिन उसके बाद से लाहौर कलंदर्स हैज लुक लाइक एन एंटायरली डिफरेंट साइड, दे आर द टीम टू बीट दिस टाइम। कराची उनको हरा पाएगा या नहीं इस हवाले से हम बात करेंगे जरूर, बट इरम योर टीम लाहौर और कराची। ऑब्वियसली लाहौर, लेकिन ये है कि मेरा तो लाहौर ही है, लेकिन आज लाहौर में मैच है तो थोड़ी सी कंडीशंस मुझे लगता है जिस तरह हमें पिंडी में देखने को मिला है कि चाहे हमारा मैच था या मेंस का था तो सिर्फ वहाँ स्कोर था और बॉलर के लिए कह लें कोई कोई जगह ही नहीं थी ना, लेकिन बड़ी बात है अब्बास ने जो है वो 5 आउट किए भी मैंने कल देखा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये है कि अच्छा मैच होगा लेकिन फिर मैं लाहौर के साथ। मुशी भाई योर टीम। आई थिंक आई एम गोना गो विद द कराची टुडे, द रीजन बिहाइंड because I think Karachi deserve to get some luck and some wins actually. So jate jate aakhri match jo hai wo jeet ki taraf. Misbah ki agar main prediction ki baat karun to Misbah ne Lahore Qalandars ko chuna hai and Lala ne bhi Lahore Qalandars ko chuna hai. So yes, Lahore altogether, Mushi bhai ne Karachi choose ki hai. Lala bahut biased ho gaye Lahore ke liye. Note kiya aapne? Banta hai. Banta hai. तारीफें भी बड़ी हो रही हैं, तारीफें भी बड़ी हो रही हैं माशाल्लाह। अच्छा जी ये फहीम अशरफ कुछ ओहो बड़ी जबरदस्त आगाज हुआ है। आमिर जमाल काफी अभी जो उनका ओवर का आगाज हुआ एक छक्का और एक चौका हो गया है, 15 गेंदों पे 38 चाहिए। राणा साहब अभी भी खेल रहे हैं, एक और छक्का मार दिया, ओह यस एक और छक्का मार दिया है, 15 गेंदों पे अब रह गए हैं 38 रन, और ये मैच तो राणा साहब ने फंसा दिया जबरदस्त। वी विल वॉच दैट मैच। पीएसएल के ऑफिशियल हैंडल से लिखा हुआ यहां मेरे सामने आया वसीम तेरे शॉटा। यस सो यस विद दैट एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। यस वेलकम बैक टू जोर का जोड़, अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने प्रेडिक्शंस शामिल की थी कराची वर्सेस लाहौर पाकिस्तान सुपर लीग 8 के लीग मरहले का आखिरी मैच, उसके बाद देयर इज अ 2-डे ब्रेक जहां पे जाहिर है दो टीमें तो खैर वापस, अब क्वेटा तो ऑलरेडी वापस आ गई, कराची भी वापस आ जाएगी, बट देयर आर 4 टीम्स व्हिच आर इन द प्ले ऑफ्स नाउ। मैं इसलिए थोड़ा सा स्टटर कर रहा हूँ बिकॉज इस वक्त एक जबरदस्त मैच चल रहा है, छक्का मार दिया है यहाँ पे राणा फहीम अशरफ साहब जो है वो फॉर्म में, 4 गेंदों पे मैच पता नहीं चल रहा है ये क्वालिफायर के स्लॉट पे कौन जाएगा सीरियसली। आई मीन जस्ट इमेजिन व्हाट मुशी भाई वुड बी गोइंग थ्रू राइट नाउ बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज गॉट टू लूज दिस गेम फॉर देम, अगर मुल्तान सुल्तान जो है वो क्वालिफायर खेलना चाहता है, बिकॉज अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत जाता है वो 14 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ये दे विल बी प्लेइंग इन द क्वालिफायर और मुल्तान सुल्तान एलिमिनेटर खेल रहा होगा विद पिशावर जलमी। लेकिन अभी भी 4 गेंदे हैं 14 रन और मजेदार गेम, मेरा तो पूरा फोकस तो वहीं पर ही, आप प्रोग्राम चलाएं सवेरा वॉच अलोंग साथ साथ जो है चल रहा है बिकॉज जिस तरह की इस वक्त परफॉर्मेंस हो रही है और जिस तरह ब्रूटल हिटिंग की जा रही है, एक तरफ फहीम अशरफ एक तरफ मोहम्मद वसीम, अब तक जो है फहीम अशरफ 3 छक्के मार चुके हैं 2 चौके और कोशिश यही है कि ये लोग किसी तरह वो लाइन क्रॉस कर जाएं। मोहम्मद वसीम की बात करें तो 3 चौके मोहम्मद वसीम की तरफ से भी हैं। सो यस इस वक्त जो है मेरे ख्याल से सबकी नज़रें इस मैच की तरफ होंगी बिकॉज दिस मैच क्वालिफायर्स तो आपके सामने आ ही गए, आपके बोल्ड कर दिया राणा साहब आउट हो गए जी। सो यस यहाँ जो है फिर ऐसा लग रहा है कि पेशावर जलमी ने वापस वो कहते हैं ना लगाम अपने हाथ में ले ली है
और मुश्किलात फिर से सामने आ गई हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए. बट इरम, जिस तरह का ये मज़ेदार मैच चल रहा है, दिस इज़ दी सेकेंड लास्ट मैच ऑफ द लीग, और सेकेंड लास्ट मैच की भी अभी तक रेलेवेंस बाकी है, बिकॉज इस मैच से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम क्वालिफायर खेलेगी. जी बिल्कुल, अभी जिस तरह ये मैच चल रहा है मैं देख रही हूँ. अब वही ना कि एक लास्ट विकेट रह गई है, फिर भी अब कोई चांस नहीं है इस्लामाबाद का. लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ये वाला जो रहा, एक क्या कहते हैं, ये वाला राउंड बहुत एक अच्छा रहा है. और अभी रात वाला मैच भी है, बेशक कराची के पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन रात वाला मैच भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा. जिस तरह कराची ने लाहौर को हराया हुआ है, और लाहौर के साथ कराची एक अलग ही अंदाज में खेलता है, वो सबको नजर आता है. तो देखें अब क्या होता है रात के मैच. बहुत कुछ डिपेंड ये करता है कि कराची में वो अपनी टीम क्या खिलाते हैं. जाहिर है, ये अगर आप टूर्नामेंट के शुरू की सिचुएशन से कंपेयर करें तो उस वक्त टूर्नामेंट वॉज वाइड ओपन एट दैट पॉइंट इन टाइम. अभी कराची का यही है, डू दे रियली वांट टू एंड अप ऑन अ हाई, या फिर वही बात है कि कराची का, जाहिर है वो जब हम परफॉर्मेंस रिव्यू की तरफ आएंगे तो फिर ज़्यादा तफसील से हम बात करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कराची के साथ हुई क्या है. लेकिन इमाद वसीम के लिए ऑन अ पर्सनल लेवल ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक उन्होंने वो स्टैम्प तो अपना कर दिया है, पॉइंट दैट ही डिजर्व्स टू बी बैक इन द साइड. लेकिन आज के मैच में अगर वो पाकिस्तान सुपर लीग की इस वक्त की मजबूत तरीन बॉलिंग अटैक के सामने रन करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर तो मेरे ख्याल से सवेरा काफ़ी हद तक ये सर्टन हो जाएगा दैट, बिकॉज अगर मैं गलती पर ना हूँ शायद कल या परसों ही अफगानिस्तान के लिए टीम अनाउंस होने वाली है. बिल्कुल बिल्कुल, जो ये जो गैप आ रहे थे उन गैप्स में जो है ऑल आउट जी, उन गैप्स में जो है, एंड यस विकेट डाउन, पेशावर जलमी हैज वन इट. यानी मुल्तान सुल्तानिया, पेशावर जलमी ने तो एक सांस ली होगी, गहरी सांस, मगर दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान ने जो है वो एक गहरी सांस ली होगी कि बच गया हमारा क्वालिफायर का, सच गया. एंड अ ब्रिलियंट मैच पेशावर जलमी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक बहुत मजे का मुकाबला हुआ. वही हम बात कर रहे थे कि ठीक है जी 200 नहीं 240 नहीं, बट 170 पे भी आप गेम ऑन कर सकते. आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है डे मैच था सवेरा. अगर आपको याद हो कराची में भी जो डे मैच हुआ था, जो एक वाहिद कराची में डे मैच हुआ था, उसमें कराची किंग्स कामयाब हुआ था. एंड आउट ऑफ नो वेयर तबरेज शमसी, आपने देखा वो बड़े अनप्लेबल से बन गए थे, ही गॉट द मैन ऑफ द मैच, जो पहला मैच उन्होंने वहाँ पर खेला था. सो आई थिंक उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है विद द टाइम ऑफ द डे एज वेल, शाम के मैचेस में बाहर आ. लेकिन अच्छा, अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये है कि पिंडी में जो 11 मैचेस होने थे पाकिस्तान सुपर लीग के, वो अब ख़त्म हो गए. सवेरा वो तमाम बहसें अपनी जगह, विकेट या वो, बट कूडोज टू द पीपल ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद एंड सराउंडिंग एरियाज, जिस तरह उन्होंने सपोर्ट दोनों हाथों के साथ एम्ब्रेस किया है पाकिस्तान सुपर लीग के इन मैचेस को. आई थिंक उन 11 में से 8 या 9 मैच, या 9 मैचेस तो सोल्ड आउट ही गए होंगे. बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह हाउसफुल हमें दिखे पिंडी में मैचेस. मैं यहां पे जी, मैं यहां पे चीज पूछना चाह रही हूं, जिस तरह आप लोगों ने ज्यादा देखा है अभी, क्योंकि मैंने तो इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन अपने मैचेस की अगर मैं यहां ये सारा रावलपिंडी की जो विकेट की मैं अगर बात करूं, कि जिस टीम ने भी टॉस जीता है, और अगर वो हमारी टीम ने भी या दूसरी टीम ने भी, तो जिसने पहले बैटिंग की है वो ही टीम क्यों जीती है अभी पिछले कुछ दिनों में. नहीं नहीं, चेज भी हुआ है 240 पे, 241 पे चेज भी हुए हैं, चेजेस भी अच्छा हुई हैं काफी. मगर ये कि वो है कौन सा बड़ा टोटल सेट करें, 241 पे 241 जो मुल्तान सुल्तान ने चेज किया था वो चेज कर लिया गया था. देन पेशावर जलमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच था जिसपे 240 पे 243 बना लिए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने. चेज जरूर हुआ है, बट वो वही है कि ज्यादा रन्स बन रहे थे, फर्स्ट बैटिंग बोर्ड पे प्रेशर हो रन्स का. मुशी भाई, मतलब एक ब्रीदर ही नहीं मिलता बैटर्स को. मगर मुशी भाई आपको बड़ी मुबारक हो, क्योंकि मैंने कहा जहां पेशावर जलमी ने जो है वो सुख की सांस ली होगी, वहां मुल्तान सुल्तान ने भी सुख की सांस ली होगी कि यस हम क्वालिफायर्स खेल रहे हैं. मुशी भाई आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुल्तान सुल्तान ने भी ली होगी कि यस हम क्वालिफायर खेल रहे हैं.
मैं खुरम उसकी खुरम की तरफ से मैं आवाजें लगा रहा था बाहर से कि यॉर्कर नहीं लग रहा तो ना करो स्लो बाहर फेंक दो ऐसे लग रहा था जैसे उनके डक में मैं बैठा हूं। अच्छा मुझे भाई एक सवाल कल आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बाय द वे उस्मान खान भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनके साथ रही, पता नहीं आपको मौका मिला हो सुनने का या नहीं, और लाला भी थे उस वक्त हमारे साथ, मिसबा भी थे, वो तो खैर वहाँ पे काफी पार्टी कर रहे हैं दोहा में, डेजर्ट सफारी में मसरूफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये बताया लाला ने मैच में क्या किया, मुझे ये बताया लाला ने शेख हाथ मिलाया, उन्होंने आपको पता है गंभीर के साथ उसकी नजरें झुका दी और अंपायर को हक करने जा रहे थे, पता चला ये तो औरत निकली तो लाला ने हक नहीं किया। और उसके अलावा आपका बहुत पूछते थे लाला, पता है आपको इरम बहुत याद करते थे आपको, हमसे रोजाना पूछते थे भाई इरम ने कितने रन बनाए, कैसा चल रहा है ये परफॉर्मेंस इरम की, बहुत मिस करते। मेरे ऊपर इतना प्रेशर था ना, लेकिन शुक्र है कि कुछ परफॉर्मेंस हो गई। उस वक्त मुझे कहले टीम का नहीं लेकिन मुझे लाला का ज्यादा प्रेशर था कि यार ये मैंने जाके बैठना है इरम, लेकिन मुझे वो जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर दूसरे मैच में आपने छक्का मारा था ना, वो बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, यस, इंजी भाई वाला शॉट था वो, हाँ मजा आ गया था, बड़ा मजा आया। अच्छा इंजी भाई वाला तो खैर नहीं, वो तो उनकी तो क्लास ही अलग है, लेकिन कभी कभार हम भी कोई क्लास दिखाई देते हैं अपने। चलें मुशी भाई एक सवाल आया उस्मान का, मैं जिक्र कर रहा था, अब उस्मान ने तो ये तो रिकॉर्ड बना दिया, आपने मौका दिया उसको, तो क्या अब सिलेक्शन का एक डिलेमा आ गया है आने वाले मैचेस में, लाहौर में जो मैचेस होंगे, क्यों आपने शान मसूद की जगह खिलाया था, एंड अगर मैं गलती पढ़ना हूं तो शान मसूद तो कोई इंजरी प्रॉब्लम नहीं था, आपने रोटेशन की बुनियाद पर उस्मान को खिलाया था वहां पर, सो अब कुछ प्रॉब्लम हो गई है सिलेक्शन के हवाले से, क्या करना है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि हमने इस मैच में पिछले मैच में दो लेग स्पिनर भी खिलाए थे, वो देखा था फॉर्मेट बनाने के लिए कि जी कम्बिनेशन क्या बनता है हमारा, तो दो लेग स्पिनर भी ट्राई किए और फिर ऑब्वियसली शान की वो उस्मान को आए, तो अब ये लाहौर की कंडीशन एक दिन पहले जाके आप पिच को देखते हैं, आप ग्राउंड की कंडीशन को देखते हैं, ड्यू फैक्टर को देखते हैं, पिंडी में इतना ड्यू फैक्टर नहीं था, मगर यहाँ पे क्योंकि शाम को सम हाउ दी अदर बॉल में थोड़ी सी नमी आ ही जाती है सम हाउ दी अदर, इसीलिए कई दफा आपके जो बाहर बैठे हमें लग रहा होता है ना, जो व्यूअर्स देख रहे होते हैं कि यॉर्कर सही लड़कों के से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे क्योंकि बॉल में थोड़ी सी नमी होती है, तो आई थिंक हैविंग सेड दैट कि आपको पूरी कंडीशन को सिचुएशन को और सराउंडिंग को देख के फिर आपने फैसला करना होता है कि कौन सा बॉलर यहाँ पे सूट का कामयाब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल छह पावर प्ले में हम अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि यहाँ पे पावर प्ले में कौन सा सक्सेसफुल बॉलर हो सकता है, किसने ज्यादा विकेट ली है इस पीएसएल में, तो आई थिंक वो सारी चीजों का वो डेटा इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी बैठती है, हमारी सारी मैनेजमेंट बैठती है, फिर उसके बाद जो फैसला होता है ऑब्वियसली बीइंग हेड कोच एंडी फ्लावर वो और रिजवान जो है वो फिर इसके स्टेक होल्डर होते हैं। बट मुशी भाई ये तो आप बोलर्स की तरफ ले गए ना, इधर तो जो सवाल है वो तो शान और उस्मान का सवाल है, शान खेलते हुए दिखेंगे अब हमें प्ले ऑफ में या उस्मान? हाँ ये सवेरा बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता मैं क्योंकि दिस इज नॉट माई डोमेन, एंड ऑल्सो कॉमन सेंस की बात है, वैसे तो उस्मान ने 100 किया है, पर शान को आप शहीन जैसा बॉलर हो या हारिस जैसा बॉलर हो जो तेज बॉलिंग करते हैं, शान इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वी गॉट फॉर लास्ट 3 years 4 years सिंस आई बीन इन्वॉल्व विद मुल्तान सुल्तान, सो आपने देखना होता है कि कई दफा हो सकता है कि आपने कहीं कहीं से कोई बॉलर ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है, वो तो कंडीशन और सिचुएशन ही बता सकती है। बिल्कुल बिल्कुल पता चलेगा कि किस तरह की कंडीशन, बिल्कुल इसमें एब्सोल्युटली जाहिर है आज का मैच जो इस वक्त कराची और लाहौर का होना है, जाहिर है ये आपको एक सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेशन देगा कि किस तरह की ये विकेट जो है और कंडीशंस की जिसकी मुशी भाई बात कर रहे हैं, बिकॉज ये आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, रावलपिंडी का जरा मौसम भी मुख्तलिफ है, एंड ऑल मुशी भाई ब्रेक में आने के बाद जो मैंने पहली बात की थी वो ये की थी कि 11 मैचेस इस्लामाबाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को दिए गए, बहुत ज़बरदस्त स्टेडियम है इस लिहाज से कि क्योंकि पार्क का रकबा भी इतना बड़ा नहीं है उसका डायमीटर और स्टैंड्स भी कोई बहुत बड़े बड़े नहीं है, जो क्राउड के लिए जस्ट लाइक के बिल्कुल मैदान में बैठे हुए वो मैच व्यूइंग एक्सपीरियंस जबरदस्त है, लेकिन वी हैव टू गिव इट टू द क्राउड, आई मीन पिंडी इस्लामाबाद और गिरदोनवा के लोगों ने जिस तरह आके इस मैच को इन्जॉय किया है, आई एम श्योर आप भी डगआउट में बैठे होंगे, मज़ा आ गया होगा वहाँ पर जिस तरह तमाम मैचेस ही सोल्ड आउट गए उधर। अब बिल्कुल अदील आप सही कह रहे हो क्योंकि जब आपका क्राउड इतना ज्यादा आपको इन्वॉल्व होता है ना क्रिकेट में, तो इवन हम क्रिकेट नहीं भी खेल रहे तो उस उनका जो जज्बा और वो जो क्रिकेट को बैक करना या क्रिकेट को सपोर्ट करना होता है ना, तो हम भी गेयर अप होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होता है एज ए कोच,
तो आप जस्ट इमेजिन द प्लेयर्स, प्लेयर्स अपने एक्सप्रेस करते हैं, वो अच्छा कैच करना चाहते हैं, वांट टू गेट दैट एप्रिसिएशन फ्रॉम द क्राउड. तो आई थिंक मुल्तान में और फैसलाबाद में हम पिंडी में हमने देखा है, मुल्तान और पिंडी में देखा है कि लड़कों की जो मोटिवेशन है ना वो डबल हो जाती है. उसकी वजह पता है क्या, कई दफा आप थोड़े से ना यू नो लाइक यू गेट सम निगल्स, आपकी थोड़ी इंजरी चल रही होती है या टाइटनेस होती है, पर आपने वो डाइव मार के गेंद जब आप गेंद बाउंड्री पे रोकते हो या एक ब्रिलियंट जैसे पोलार्ड ने दो कैच किए, अब वो सारा क्राउड ना होता तो शायद वो ऐसी मोटिवेशन ना लेके आ सकता. लेट मी टेल यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज क्राउड उसके पीछे था, वो पॉली पॉली वो की आवाजें लग रही होती थी, रजी रिजवान की आवाजें लग रही होती है, तो बंदा कहता है कि आई हैव टू डू समथिंग. ये सबसे अच्छा एक्टर वही होता है, जितना बड़ा क्राउड होता है फिर उतनी उसकी एक्टिंग उतनी अच्छी निकलती. बिल्कुल. और मतलब जो वो कहते हैं ना कि 12th मैन जो होता है टीम का वो होता ही स्पेक्टेटर्स जो है वो 12th मैन होते हैं. इरम आप कुछ कहना चाह रही हो? जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी कि थोड़ी सी नाराजगी है मेरी या हम वुमेन्स की कि जिस तरह हमारे मैचेस हुए हैं उस पे क्राउड नहीं आया और रावलपिंडी के जो आवाम थी वो नहीं आई, तो वो थोड़ी सी हमारी नाराजगी है कि देखिए ये जो चीज है ना, जैसे मेंस को ये सपोर्ट करते हैं तो ये हमें लगता है कि हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे हमारी लीग है सितंबर में सुन रहे हैं. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वुमेन्स को भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये चीज घर से स्टार्ट होती है. आपको जब घर से सपोर्ट मिलेगी तो बाहर वाले भी, जब आप बाहर कंट्री में जाएंगे तो वहां भी आपको सपोर्ट मिलेगी. तो एक एक रिक्वेस्ट ही कह लें जो जो देख रहे हैं सुन रहे हैं. वेलकम. इरम, वुमेन क्रिकेट इज कमिंग अप फास्ट. आई एम प्रीटी श्योर जिस तरह हमारे यहाँ सुपर स्टार सामने आ रही है, कितने अरसे के लिए तो हमने सना मीरी होती थी, हम लड़के सब उन्हीं को ही जानते थे. मैं व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ, बट अब माशाल्लाह मल्टीपल नंबर्स आते जा रहे हैं, मीडिया कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और बढ़ भी रही है, और माशाल्लाह आई थिंक कुछ परफॉर्मेंसेज भी अगर हमारी इंप्रूव होंगी आप देखेंगे आने वाले दिनों में और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे. बट थैंक यू सो मच इरम, गुड टू हैव यू बैक एंड होपफुली we'll see you at the studio tomorrow. Mushi bhai, aapka bhi bahut bahut shukriya. Thank you so much. And aap logon ka bhi shukriya. Yaad rahe ji, Pakistan Super League ka aakhri league match, Lahore Qalandars versus Karachi Kings, Qaddafi Stadium, Lahore mein ab se thodi der baad jo hai uska aagaaz hona hai. Uske baad se there is a 2-day break and then phir playoff ka marhala shuru hoga. Remember, Karachi and Quetta are already out. So ye match है तो वैसे एक डेड रबर, लेकिन लॉट्स ऑफ ब्रैगिंग राइट एट स्पेक स्टेट देयर. जस्ट इमेजिन कराची विनिंग दिस गेम एंड टेकिंग दैट ब्रैगिंग राइट कि हमने क्लीन स्वीप किया है ओवर लाहौर. लाहौर को आ कर आए. बट चलें जी, कल होगी आप लोगों से मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़.